दोस्तों आज मैं आपसे मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की समरी शेयर करने जा रहा हूँ। इस बुक समरी से आप ये रियलाइज करेंगे कि आपकी सफलता में आपकी सोच कितनी अहम भूमिका निभाती है। आप जो हैं और जो बनना चाहते हैं, इसमें आपकी सोच काफी बड़ी भूमिका निभाती है। जो आप डिजर्व करते हैं उसे हासिल करने में आपकी थिंकिंग ही आपको मदद करेगी। वादे बहुत हो चुके तो अब शुरू करें। नंबर वन, विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे, यानी कि बिलीव यू कैन एंड यू विल सक्सीड। हर इंसान चाहता है कि उसे जिंदगी का हर ऐसो आराम मिले, इसलिए जब आपको यकीन होता है कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि इसे कैसे किया जा सकता है। दृढ़ विश्वास आपके दिमाग को मोटिवेट करता है कि वह अपने लक्ष्यों को पाने का तरीका खोजे, और अगर आप यकीन कर लें कि आप सफल हो सकते हैं तो इससे दूसरे भी आप पर विश्वास करने लग जाते हैं। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक आदमी टूल एंड डाई कंपनी में काम कर रहा था। इस काम से वो ठीक ठाक पैसा कमा लेता था, लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। वो अपनी वाइफ और दो बच्चे के साथ एक छोटे से मकान में रह रहा था। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि एक बड़ा सा घर ले सके या बाकी जरूरतें पूरी कर सके। वो आदमी अपनी जिंदगी को लेकर दुखी होता गया और अपने परिवार को खुशी ना देने की वजह से वो परेशान होता रहता था। कुछ सालों बाद उसे एक दूसरी जगह जॉब का ऑफर मिला, लेकिन ये जगह उसके घर से काफी दूर था, तो उसने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। जॉब इंटरव्यू के एक दिन पहले वो कुछ सफल लोगों से मिला जिन्हें वो जानता था। उसने खुद से पूछा कि उन लोगों के पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है। काफी सोचने के बाद उसने पाया कि उन सब में खुद पर भरोसा था कि वो कुछ कर सकते हैं। अगले दिन वो आदमी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू के लिए गया और उसने अपने पिछले जॉब से $3,500 ज्यादा सैलरी की डिमांड की। वो इतना सैलरी इसलिए डिमांड कर रहा था क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था कि वो इतना सैलरी पाने के योग्य है, और उसके इस कॉन्फिडेंस की वजह से उसे वो जॉब मिल गई। इसीलिए दोस्तों, अपने आप को कभी भी सस्ते में ना बेचें। अपनी वर्थ पहचानो और विश्वास करो कि आप इससे ज्यादा कर सकते हैं और बन सकते हैं। जब आप बड़ा सोचना शुरू करेंगे तो बड़ी सफलता आपको अपने आप मिलेगी। नेक्स्ट, बहाना साइटिक का इलाज कराएं। यह असफलता की बीमारी है। अगर हम लोगों का गहराई से अध्ययन करें तो पता चलेगा कि असफल लोगों को दिमाग की एक भयानक बीमारी होती है जिसे ऑथर बहाना साइटिक यानी कि एक्सक्यूजिस्टिस कहते हैं। जो व्यक्ति जितना सफल होता है वह उतना ही कम बहाने बनाता है, परंतु जो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता उसके पास बहाने थोक में मौजूद रहता है। जब आप उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, आप प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे बहाने गिनवा देते हैं, मेरे साथ हेल्थ समस्या है, या फिर मैं काफी एजेट हूँ, या फिर मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितना होना चाहिए, या फिर लास्ट में कह देंगे कि मैं तो अनलक्की हूँ। आइए इसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक ट्रेनी था जिसका नाम सिसिल था और वो 40 साल का था। वो मैन्युफैक्चर रिप्रेजेंटेटिव का जॉब ढूंढ रहा था, लेकिन सिसिल में कॉन्फिडेंस की कमी थी क्योंकि उसे लगता था कि वो काफी एजेट हो चुका है इस जॉब के लिए। बाद में इसी ट्रेनिंग के दौरान ऑथर ने सिसिल से पूछा कि क्या उसे पता है कि आदमी का प्रोडक्ट लाइफ कब स्टार्ट होती है और कब खत्म होती है। तो इस पर सिसिल ने कहा कि आदमी 20 साल से 70 साल तक काम कर सकता है, और अपने जवाब से वो खुद ही हैरान था क्योंकि इससे उसका उम्र का बहाना साइटिक तत्काल खत्म हो गया। उसे महसूस हुआ कि अभी तो वो अपनी प्रोडक्टिव एज के सिर्फ 40% पर ही पहुंचा है, और इसके बावजूद वो आगे बढ़ने से घबरा रहा है। इसलिए दोस्तों, कभी भी दीवार सपना ना देखें। अपने मानसिक ऊर्जा को ऐसे सपने में जाया ना करें जिसमें बिना मेहनत के सफलता हासिल की जा सकती हो। हम किस्मत के सहारे सफल नहीं होते, सफलता उन चीजों को करने से आती है और उन सिद्धांतों में महारथी बनने से मिलती है जो सफलता में सहायक होते हैं। प्रमोशन, जीत, लाइफ की अच्छी चीजों में किस्मत का सहारा न लें। किस्मत से ये चीजें नहीं मिला करती, इसके बजाय आप अपने आप में ऐसे गुण विकसित करें कि आप सचमुच में एक विजेता बन जाएं। नंबर 3, विश्वास जगाएं और डर भगाएं, यानी कि बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। कुछ लोगों के लिए डर सिर्फ मनोवैज्ञानिक है, लेकिन सच तो ये है कि डर वास्तव में होता है, और इससे पहले कि हमारा डर हमें कंट्रोल करे हमें इसे पहचानना होगा। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में नेवी ने यह फैसला लिया कि इसके सभी न्यू रिक्रूट्स को तैरना आना चाहिए। ज्यादातर यंग बॉयज थे और इनमें से कुछ को पानी की गहराई से डर लगता था। इनके ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग क्लास आयोजित की गई। इस ट्रेनिंग के लिए उन्हें 6 फीट ऊंचे स्टैंड से 8 फीट गहरे पानी में जंप मारने को बोला गया, पर
पानी में जंप मारने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। ऑफिसर को एक आइडिया आ जाया, उसने एक रिक्रूट को वाटर पूल में धक्का दे दिया। वह किसी तरह से स्ट्रगल करता हुआ पानी के ऊपर आया तो ऑफिसर ने उससे पूछा कि क्या वो ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाहेगा। तो न्यू रिक्रूट ने कॉन्फिडेंस के साथ हाँ बोला और उसने ये भी बोला कि वो फिर से पानी में जंप करने के लिए रेडी है ताकि वो अपना डर दूर कर सके और स्विमिंग सीख सके। इस घटना से हमें यही शिक्षा मिलती है कि काम करने से डर दूर होता है और एक्शन ही फियर का इलाज है। नेक्स्ट, बड़ा सोचें, यानी कि हाउ टू थिंक बिग। सफलता इंच या पाउंड के हिसाब से नहीं नापा जाता है और ना ही इसे कॉलेज की डिग्रियों से और आपके फैमिली बैकग्राउंड से नापा जाता है। इसे तो बस आपके सोच के आकार से नापा जाता है। आप कितना बड़ा सोचते हैं यही आपकी उपलब्धियों के आकार को तय करता है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक अमीर आदमी अपनी कीमती कार चला रहा था। पास के एक रेस्टोरेंट में कार पार्क करने के बाद जब वो अपने अमीर दोस्तों से मिलने जा रहा था तो उसने देखा कि एक लड़का उसकी कार को बड़े गौर से देख रहा था। जब अमीर आदमी उस लड़के को देखकर मुस्कुराया तो लड़के ने उसे कहा कि आपकी कार जबरदस्त है। इस पर अमीर आदमी ने कहा कि ये उतना भी कीमती नहीं है, ये तो उसके भाई ने उसे गिफ्ट की है। उस आदमी की बात सुनकर लड़का कुछ नहीं बोला तो अमीर आदमी ने उसे पूछा कि क्या वो भी ऐसी कीमती कार लेने का सपना देख रहा है। इस पर उस लड़के का जवाब सुनकर वो आदमी हैरान रह गया। उस लड़के ने कहा, नहीं बल्कि ये सोच रहा हूँ कि मैं आपके भाई की तरह अमीर कैसे बन सकता हूँ। इसीलिए दोस्तों, वर्तमान में चीजें कैसी है यह देखने की बजाय ये देखें कि भविष्य में कैसी हो सकती है। कल्पनाशीलता से हर चीज ज्यादा कीमती बन जाती है। बड़ा चिंतक हमेशा इस बात की कल्पना कर लेता है कि भविष्य में क्या किया जा सकता है, वह केवल वर्तमान में नहीं उलझा रहता। नेक्स्ट, क्रिएटिवली कैसे सोचे। क्रिएटिव थिंकिंग का अर्थ है किसी काम को करने का इम्प्रूव्ड तरीका खोजना। आपकी सफलता इस बात में छुपी होती है कि आप चीजों को बेहतर तरीके से करने के उपाय किस तरह से खोजते हैं, फिर चाहे वो सफलता घर में हो या काम धंधे में या फिर समाज में। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ऑथर के पास लाइफ इंश्योरेंस करने वाले दो सेल्समैन आए। दोनों सेल्समैन उसे एक इंश्योरेंस प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे। दोनों ने उस आदमी को वादा किया कि वो उसे एक बढ़िया प्लान ऑफर करेंगे। फर्स्ट सेल्समैन ने ऑथर को एक ओरल प्रेजेंटेशन दी। ऑथर की जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से उसने प्लान अपने शब्दों के माध्यम से मुंह जवानी समझाया, लेकिन ऑथर को कुछ समझ नहीं आया। सेल्समैन ने उसे टैक्स ऑप्शन, सोशल सिक्योरिटी के बारे में बताया और बाकी टेक्निकल डिटेल्स भी दी। सारी डिटेल सुनने के बाद ऑथर और भी कंफ्यूज हो गया, इसलिए ऑथर ने सेल्समैन को प्लान लेने से मना कर दिया। अब दूसरे सेल्समैन की बारी आई। उसने एक अलग शैली का इस्तेमाल किया। उसने सारी डिटेल को बड़े इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव वे में एक डायग्राम की मदद से ऑथर को बताया। ऑथर को दूसरे सेल्समैन का प्रपोजल बड़ी आसानी से समझ आ गया, इसलिए ऑथर ने उसी टाइम इंश्योरेंस ले लिया। इसीलिए दोस्तों, अपने थॉट्स को फ्रीडम दें, इम्पॉसिबल वर्ड अपने डिक्शनरी से निकाल दें, नए नए एक्सपेरिमेंट करें और भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाएं। नेक्स्ट, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। आप क्या सोचते हैं इससे तय होता है कि आप कैसा काम करते हैं। आप क्या करते हैं इससे तय होता है कि दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इसीलिए महत्वपूर्ण दिखें, इससे खुद को महत्वपूर्ण समझने में मदद मिलती है। व्यक्तित्व बोलता है, आप कैसे दिखते हैं इससे आपकी छवि बनती है। सुनिश्चित कर लें कि आपके बाहरी व्यक्तित्व से आपके बारे में सकारात्मक छवि ही बने। इसीलिए घर से चलते समय ये सुनिश्चित कर लें कि जैसा आप दिखना चाहते हैं वैसा आप दिख रहे हैं। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। ईट उठाने वाले से यह सवाल पूछा गया कि तुम क्या कर रहे हो, तो पहला ईट जमाने वाले ने कहा कि ईट जमा रहा हूँ। दूसरे ने जवाब दिया कि $10 प्रति घंटा कमा रहा हूँ। और तीसरे ने जवाब दिया कि मैं दुनिया का सबसे महान गिरजाघर बना रहा हूँ। पहले दोनों ईट जमाने वाले जिंदगी भर वही काम करता रह गया, क्योंकि उसमें भविष्य दृष्टि नहीं थी, वे अपने काम को सम्मान नहीं करते थे। लेकिन तीसरा कारीगर, जिसने कहा था कि वो महान गिरजाघर बना रहा है, वह एक शानदार आर्किटेक्ट बन गया और लाइफ में आगे बढ़ गया, क्योंकि इंसान की सोच ही उसके प्रगति का आधार है। काम के बारे में आपकी क्या सोच है उससे आपके बारे में बहुत कुछ पता चलता है, और यह भी पता चलता है कि आप में ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी उठाने की क्षमता है या नहीं। तो आप जो खुद के बारे में सोचते हैं वही आपकी इमेज बन जाती है। जो हम अपने बारे में सोचते हैं वो हमारे लिए एक मोटिवेशनल टूल बन जाता है, जो हमें एग्जैक्टली वही पर्सन बनने में हेल्प करता है। इसलिए सोचो और बनो।
नेक्स्ट, अपने माहौल को सुधारें और फर्स्ट क्लास बने, यानी कि मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। पैसा बचाने के चक्कर में एक आदमी ने महीनों तक एक घटिया होटल में खाना खाया। जगह साफ सुथरी नहीं थी और खाना भी अच्छा नहीं था और सर्विस का तो बुरा हाल था, लेकिन पैसे बचाने के लिए वो आदमी बिना किसी शिकायत किए चुपचाप खा लेता था। एक दिन उसका दोस्त जबरदस्ती एक बढ़िया रेस्टोरेंट में लेके गया। वहाँ पर उनके दोस्त ने लंच ऑर्डर किया तो उस आदमी ने भी सेम ऑर्डर कर दिया। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर वो आदमी हैरान रह गया। उसके सामने बढ़िया खाना परोसा गया था, सर्विस भी एकदम फर्स्ट क्लास थी, बढ़िया एनवायरनमेंट था, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि यहाँ का प्राइस उससे बस थोड़ा ही ज्यादा था जितना वो उस घटिया होटल में महीनों से पे कर रहा था। उस आदमी को एक बड़ा लेसन मिल गया था, फर्स्ट क्लास बनने के लिए पहले आपको फर्स्ट क्लास की तरफ बिहेव करना पड़ेगा। हमें लाइफ में खुद को एंजॉय करने से रोकना नहीं चाहिए, फर्स्ट क्लास का मतलब है बेस्ट, और यही हम बनना चाहते हैं। नेक्स्ट, लोगों के बारे में अच्छा सोचें। सफलता दूसरे लोगों के सहयोग पर निर्भर करती है। आपके और आपके लक्ष्य के बीच एकमात्र बाधा दूसरों का सहयोग है, इसीलिए हमेशा इस तरह से सोचें कि मैं उसके लिए महत्वपूर्ण हूँ या ना हूँ, पर वह मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे उसे करीब से जानना चाहिए। इसीलिए दोस्तों हमें गुड रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम दूसरों के साथ एक काइंड और फ्रेंडली वे में बिहेव करें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।